हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एंड इजी चैनल। क्विक एंड इजी चैनल में मैं आज आपके लिए बटर चाप मसाला लेकर के आई हूँ। बटर चाप मसाला खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और फटाफट बन जाता है। तो आइए हम बनाते हैं बटर चाप मसाला। बटर चाप मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम चाप को फ्राई कर लेंगे। बटर चाप मसाला बनाने के लिए हमने एक तरफ चाप को तलने रख दिया, दूसरी तरफ हमने मसाला ले लिया। ये दो टमाटरों की प्यूरी है, ये दो प्याज हैं पिसे हुए, दो प्याज हमने खड़े काट लिए हैं, दो तीन हरी मिर्ची काट ली है, कुछ सूखे मसाले लिए हैं जैसे नमक, कश्मीरी मिर्ची आधी चम्मच, हल्दी और एक से डेढ़ चम्मच धनिया ले लिया, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी लेंगे और थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन लेंगे और ये हमने मक्खन ले लिया है। ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं चाप और एक तरफ हमने अपना मसाला भी रेडी कर लिया है। चाप को छोंकने के लिए ये हम डोड़े डाल देंगे इसमें दो, और ये लहसुन डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ये कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें ये खड़ी हरी मिर्चियाँ डाल देंगे और इनको भी थोड़ा फ्राई होने देंगे। हमारी प्याज थोड़ी फ्राई हो गई है, अब हम उसमें प्याज की प्यूरी डाल देंगे और इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे। ये हमारी प्याज की भून चुकी है, अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ा भूनने देंगे। अब हम इसमें सभी सूखे मसाले डाल देंगे और इनको भी हम भूनने देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे कि अभी हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे, तभी तो ये बटर चाप है। चाप डाल देंगे, अब हम इनको थोड़ा उबलने देंगे। अब ये हमारी चाप की सब्जी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे होममेड, एक चुटकी बस, और ये मक्खन डाल देंगे। ये हमारी बटर चाप तैयार हो चुकी है। इसे आप नान रोटी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।